How are you? I hope so. You all are fine and safe at home. Myself, Atika Kudle. Welcome to Nagesh Kurasgi Orchid School TV channel. Children, today we are going to study a new topic, that is some people of India. Okay, there are many type of people in India. From that we are going to learn some states as well as their culture, their traditional dresses. Let's see, children. Okay, our lesson name is Some People of India. Some people of India means, yesterday I have told you, in our previous session I have told you that there are 29 states in our India. India is our country. India kya hai? Hamari country hai. Aur iske andar kitne states hai? 29 states hai. Exactly. To har state ka apna ek traditional dress hota hai. Okay, traditional dress मतलब वहाँ का एक costume होता है जो वहाँ के लोग पहनते हैं. For example, आसाम का अपना I'll tell you in detail afterwards. Let's see the state's name. आसाम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, सिक्किम. Then after that, जम्मू कश्मीर, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़. These are the states we are going to learn about their traditional dresses. Okay, see ya children. This is Haryana's traditional dress. Can you see Haryana's traditional dress? See, these are, men are wearing dhoti, kurta, and what you will call this? Gamcha, or you can call it as a blanket. What men wear? Dhoti, kurta, and gamcha. Ladies, women wear ghagra, shirt, and odhni. What they used to wear? Women used to wear ghagra, shirt, and odhni, as well as they wear the jewelries also in their neck part, necklace, earrings, bangles, all these they wear, especially women wear this. Okay, now come to next. Assam people, where men wear dhoti, gomosa, which is a piece of a cloth. Gomosa means this, which is a piece of a cloth that is very significant. It is white in color with red embroidery. Here he has worn black color shirt. Gomosa means it is a white color shirt with red embroidery. But here the man has worn black color gomosa with red color embroidery on the top, and as well as on the bottom. See to women's. Here women's wear chodra in upper piece and lower piece they wear mekhla. Okay, it is wearing like a sari only. ये जब पहनते हैं ना गर्ल्स तो ये साड़ी जैसी दिखती है, मगर नीचे का पार्ट, नीचे का जो पीस होता है वो अलग से होता है टाइट किया हुआ, और ऊपर का जो पीस होता है दैट इज कॉल्ड चौधरा, विच इज अ पीस दैट इज वेरन लाइक अ साड़ी. महाराष्ट्र मेन वेर धोती फटका एंड कुर्ता. मेन वेर
धोती, फटका एंड कुर्ता. लेडीज वेयर नववारी साड़ीज, 9 yard साड़ीज, 9 meters की साड़ी होती है जो लेडीज पहनते हैं. एंड देयर ब्लाउजेज आर कॉल्ड चोली, एंड देयर ब्लाउजेज आर कॉल्ड चोली. ओके, नेक्स्ट इज कर्नाटका. कर्नाटका पीपल वेयर वेष्टी. वेष्टी मीन्स द डाउन पार्ट, लुंगी विल कॉल नो, दैट इज धोती का. और एक नाम क्या होता है, धोती तो हम लोग ऐसे जो महाराष्ट्रन पीपल पहनते हैं उसको धोती बोलेंगे. दिस इज कॉल्ड वेष्टी. वेष्टी मीन्स लुंगी. ओके, एंड दे यूज शर्ट ऑन द टॉप एंड लेडीज वेयर साड़ीज. ओके, प्योर सिल्क कॉटन साड़ीज दे यूज टू वेयर. नेक्स्ट इज केरला. केरला मेन वेयर मंदू, दैट इज लुंगी एंड कुर्ता, एंड वुमेन्स वेयर साड़ीज. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पिक्चर, दैट इज ऑफ अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश पीपल वेयर ट्राइबल क्लोथिंग्स. यहाँ के ये जो क्लोथिंग है ये बहुत यूनिक होती है. देखो गले में कितने सारे ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी पहनी हुई है ये लोगों ने, है ना. ऑल दीज कॉस्ट्यूम नो, इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव फॉर टूरिस्ट पीपल. टूरिस्ट पीपल गेट्स वेरी अट्रैक्टेड टू अरुणाचल प्रदेश क्लोथिंग और ड्रेसिंग, यू कैन से. नेक्स्ट इज तमिलनाडु. इन तमिलनाडु पीपल वेयर, स्पेशली मेन्स वेयर लुंगी, कुर्ता एंड दिस इज कॉल्ड गमछा. ओके, एंड वुमेन्स वेयर साड़ी एंड ब्लाउज विद नाइसली ज्वेलरीज इन देयर नेक. ऑन देयर नेक्स दे वेयर नेकलेसेस, इयररिंग. ओके, देन कम टू नेक्स्ट पिक्चर. ओके, नाउ कम टू मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश पीपल वेयर, स्पेशली वुमेन्स वेयर लहंगा, चोली, ओढ़नी एंड फाइन ऑर्नामेंट्स. ऑर्नामेंट्स मीन्स ज्वेलरी. ओके, द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ सिक्किम. मेन्स वेयर थोकरो एंड दुम. थोकरो एंड दम मीन्स कंसिस्ट ऑफ पैजामा. यर मेन्स वेयर पैजामा एंड स्पेशली दे वेयर ओनली वाइट कलर शर्ट्स, दैट इज देयर ट्रेडिशनल ड्रेस. एंड वुमेन्स वेयर खोबाखी, दिस इज कॉल्ड खोबाखी. इट इज टाइड ऑन देयर नेक. यहाँ से ये अपने ड्रेस जो टाइट कर लेते हैं एंड देन दे टाइड देयर वेस्ट पार्ट. ये जो कमर का हिस्सा है ना, ये हिस्से पे वो लोग क्या करते हैं, एक सिल्क कॉटन क्लॉथ लेते हैं और यहाँ पे उसको टाइटली बांध देते हैं. ओके, दिस इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ सिक्किम पीपल, दैट इज जम्मू कश्मीर. इन जम्मू कश्मीर बोथ मैन एंड वुमेन वेयर फेरना ड्रेस. फेरना ड्रेस इज फुल एंड ब्यूटिफुल विथ एम्ब्रॉयड्री वर्क. यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे है ना एम्ब्रॉयड्री वर्क होता है, बोथ मैन एंड वुमेन, दैट इज कॉल्ड फेरन. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट स्टेट, दैट इज गोवा. इन गोवा स्पेशली मैन वेयर सूट्स एंड वुमेन्स वेयर गाउन्स. ओके, दिस इज अ ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ गोवा. Now come to Manipur. Manipur people, especially men, wear dhoti with kurta along a jacket. Manipur के लोग क्या पहनते हैं, धोती पहनते हैं, कुर्ता और कुर्ते के ऊपर उन लोगों का क्या होता है, jacket, specially वो jacket पहनते हैं. And पगड़ी is also there on their head.
पगड़ी भी उनके हेड पे होती है. ओके, नाउ गर्ल्स वेयर इनर सी एंड फेनेक. हियर यू कैन सी अ घाघरा टाइप ड्रेस इज देयर एंड लॉन्ग दुपट्टा दे हैव वेयर विथ नाइसली ऑर्नामेंट्स ज्वेलरीज. नाउ कम टू मिजोरम. मिजोरम बोथ मेन एंड वुमेन दे टेक अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ एंड दे टाइड इट टू द वेस्ट पार्ट एंड ऑन अपर पार्ट दे वेयर शर्ट्स एंड मेन वेयर ब्लैंकेट्स एज वेल एज गमछा ऑन देयर हेड. नाउ कम टू उत्तराखंड. उत्तराखंड मेन वेयर पायजामा कुर्ता जैकेट एंड नाइसली कलरफुल कैप वेयर एज वुमेन्स वेयर साड़ीज विथ ब्यूटिफुल ऑर्नामेंट्स. ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है ज्वेलरी. नाउ कम टू ओडिशा पीपल. ओडिशा पीपल इफ यू विल सी मेन आर वेयरिंग धोती अ यूनिक टाइप ऑफ धोती इट इज देयर दे हैव वेयरिंग विथ कुर्ता एंड गमछा. गर्ल्स आर वेयरिंग केतकी साड़ी. इसको ये जो साड़ी का एक न्यू स्टाइल होता है, एक स्टाइल होता है पहनने का, दैट इज कॉल्ड केतकी स्टाइल साड़ी. नाउ कम टू त्रिपुरा. त्रिपुरा यू कैन सी मेन्स आर वेयरिंग रिकुटू. रिकुटू मीन्स अ स्मॉल पीस ऑफ टॉवेल. रिकुटू मीन्स अ स्मॉल पीस ऑफ टॉवेल. गमछा यू कैन सी ऑन द हेड, गमछा इज देयर. एंड शर्ट कुबाल. कुबाल मीन्स शर्ट. एंड वुमेन्स आर वेयरिंग खाकलू, लार्ज पीस ऑफ क्लॉथ. सी दिस इज कॉल्ड खाकलू, अ लार्ज पीस ऑफ क्लॉथ ऑन द वेस्ट. आपको उनके कमर पे दिखाई दे रहा है, एक बड़ा सा कपड़ा उन्होंने कमर पे बांधा हुआ है. एंड शर्ट, एंड शर्ट दैट इज कॉल्ड रीसा. दैट इज कॉल्ड रीसा. नाउ कम टू उत्तराखंड. उत्तराखंड मेन्स वेयर धोती कुर्ता. ओके, एंड वुमेन्स वेयर साड़ी. नाउ कम टू छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ यू कैन सी दैट मेन्स आर वेयरिंग अ यूनिक ऑर्नामेंट दैट इज कॉल्ड खोदी, विच इज अ नेकलेस. खोदी इज अ नेकलेस विच आर स्पेशली मेड विथ बीड्स. विथ आर स्पेशली मेड विथ बीड्स एंड दे वेयर कड़ा. दे वेयर कड़ा इन देयर हैंड. यू कैन कॉल इज एट अ टाइप ऑफ बैंगल ऑल्सो. दिस टूरिस्ट पीपल लाइक वेरी मच. दिस टाइप ऑफ ट्रेडिशनल ड्रेसेस tourist people like very much. And women's wear lugra sarees and blouse. Okay, with nice jewelries. Okay children, did you all understood how we have, see today we have learned the traditional dresses of our Indian people, isn't it? Assamese traditional dress we have learned today, what they are wearing. Haryana's traditional dress we have learned, I have shown you just now. Maharashtra, we are living in Maharashtra, no? Isn't it? So we have learned Maharashtra's traditional dress also. Karnataka, Kerala, Arunachal Pradesh, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Sikkim, then next is Jammu Kashmir. Jammu Kashmir also nicely embroidery dresses we have seen. Goa, suit as well as long gowns we have seen. Manipur, nice ornaments we have seen. Mizoram, okay. Then Uttarakhand, Odisha, Tripura, Uttar Pradesh and Chhattisgarh. See children,
व्हेन टूरिस्ट कम टू आवर इंडिया, जब बाहर के देशों से, जब दूसरे कंट्रीज से पीपल हमारे यहाँ पे विजिट करने आते हैं, व्हेन दे सी ऑल दीज टाइप ऑफ ट्रेडिशनल ड्रेसेस, दे लाइक वेरी मच, दे लाइक वेरी मच, दे यूज, दे वॉन्ट टू वेयर दैट टाइप ऑफ कॉस्ट्यूम्स ऑल्सो. दैट्स वाई वी आर लर्निंग द ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ आवर इंडिया. वी शुड नो ऑल द ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ आवर इंडिया. ओके, नाउ टेक दिस पेज, पेज नंबर 9393. सी चिल्ड्रन, फन टाइम. व्हाट इज देयर फन टाइम? पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योरसेल्फ इन अ ट्रेडिशनल ड्रेस. व्हाट दे आर आस्किंग? दे आर आस्किंग व्हाट इज योर ट्रेडिशनल ड्रेस. आपका कौन सा ट्रेडिशनल ड्रेस है? Isn't it? आप कौन सा ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हो? इफ यू आर साउथ इंडियन, यू कैन वेयर साउथ इंडियन स्टाइल. ओके, इफ यू आर अ नॉर्थ इंडियन, यू कैन वेयर नॉर्थ इंडियन स्टाइल. इफ यू आर अ महाराष्ट्रियन, यू कैन वेयर द महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल ड्रेस. सी, सो वेयर योर ट्रेडिशनल ड्रेस एंड टेक अ फोटो. ओके, आप ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के क्या करो, आपकी फोटो ले लो और वो फोटो आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है, चिपकानी है. ओके, देन और आपको फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना है आई एम वेयरिंग अ. आप क्या ड्रेस पहने हो, आप कौन सा ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हो, आपको यहाँ पे लिखकर बोलना है, बताना है. यहाँ पे आप महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रहे हो या सिक्किम ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रहे हो या गोवा ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रहे हो, दैट यू हैव टू राइट ओवर हियर. आप जो ड्रेस पहन रहे हैं, क्लिक अ फोटो ऑफ दैट ट्रेडिशनल ड्रेस, स्टिक ओवर हियर, एज वेल एज यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द ट्रेडिशनल ड्रेस. सो दिस पार्ट इज फॉर योर होमवर्क. दिस पार्ट इज फॉर योर होमवर्क. ओके चिल्ड्रन, so dress up nicely with the help of your elders, mother, father. With the help of your elders you can dress up nicely, take a photo of that traditional dress and paste over in the given space provided to you. So this part is for your homework, isn't it? Did you all understood what is your homework? You have to wear your traditional dress, take a photo, stick over there, as well as you have to write over there, I am wearing a Goa traditional dress, Maharashtra traditional dress. Okay, this part is for your homework. So children, we will meet in our next session. Till then, bye. Thank you. Take care.